आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। लाइव टीवी एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मवैया चौराहे पर परंपरागत ढंग से मनाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने ध्वजारोहण किया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बिष्ट यादव ने सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश को आजाद कराने में शहीदों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है, ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम स्वाधीनता के महत्व को सदैव याद रखें और संविधान में प्रदत्त आधारभूत अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति भी सजग रहें। इस दौरान देशभक्ति पर आधारित गीतों का आयोजन भी हुआ और उपस्थित बच्चे एवं लोगों को मिष्ठान इत्यादि भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बिष्ट यादव के साथ साथ युवा नेता मोहित गुप्ता व स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मवैया व्यापार मंडल का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर झंडारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा अपने जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और जितना संघर्ष किया है इन आज़ाद साथों के लिए, उनको हम ना भूलें। सिर्फ आज झंडा फहराए नहीं, हमारे हृदय में हमेशा राष्ट्र ध्वज होना चाहिए और इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, चाहे हमें जाति से, हमारे धर्म से ऊपर उठना पड़े, हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र सेवा में हो। ये जो है आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, उनके जितने भी व्यापारी मंडल के साथी हैं वो, और यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव में हमारे मोहित गुप्ता जी और उनकी टीम यहाँ पर शिकायत करते हैं।